चंद्रयान दो के समय जो है यद्यपि सारा कुछ चेक किया गया था और इसरो को उम्मीद थी कि सब ठीक ठाक है, लेकिन आखिरी क्षणों में जाके चंद्रयान दो की तरफ से जो है वो संपर्क जो है टूट गया। वो आखिरी 2.1 किलोमीटर की जब दूरी रह गई थी, यानी इतने पास पहुंचने के बावजूद जो है आखिरी क्षण में जो है इस स्थिति का सामना करना पड़ा, संपर्क टूट गया। और फिर उसके बाद जो है ये समझ में आया कि चंद्रयान दो का लैंडर रोवर जो है चंद्रमा की ज़मीन पर हार्ड लैंड कर गया। उसके बाद जो है सब कुछ ऐसे लगा कि जब अब ख़त्म है। चंद्रयान तीन के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उसी लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है। और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। वो एक बात है मजबूती को लेकर के। इसका वज़न भी पिछले लैंडर ओवर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज़्यादा है और एक्स्ट्रा फ्यूल है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मैनूवरेबिलिटी जो है जब चंद्रमा की सतह के बहुत नज़दीक पहुंचते हैं उसके लिहाज से है फ्यूल अवेलेबल है। और साथ में इसमें जो है लेसर बेस्ड जो है एल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर्स लगाए गए हैं जिनसे जो है इसकी गति और ज़मीन से जो घटती जा रही दूरी है उसका क्षण क्षण पर पता चलता जाता है। तस्वीरें लेकर के मेमोरी में जो तस्वीरें हैं उनका तुरंत मिलान होगा ताकि जो है ये जो उतार है वो एकदम जो है एज़ प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी, यद्यपि वो 15 मिनट या 19 मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। और देखना ये है कि हर तरह से ये लैस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी। देखिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है उतार के समय कई चरण हैं। शुरू में जब ये अपनी कक्षा से इसको निकाला जाएगा चंद्रमा की तरफ उतारने के लिए तो उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। इस गति को कम करना है तो चूँकि ये अपने ऑर्बिट में लेग्स फॉरवर्ड मोड में है तो इंजन फायर करने के साथ साथ इसकी गति कम होगी क्योंकि वो इसको वापस दिशा में इसको पुश करने की कोशिश करेगा जो इंजन फायरिंग, तो उससे इसकी गति कम होगी। और जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से है 30 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक रफ ब्रेकिंग में लाया जाएगा तब इसकी गति जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। फिर वो समय है एटीट्यूड होल्ड का, जिसका मतलब ये है कि जो लैंडर रोवर है उसका अंतरिक्ष में कैसा भी झुकाव है उसमें करीब 50 डिग्री का एक झुकाव लाना है जो कि गंतव्य स्थल की दिशा में इसको किया जाना है। तो उसके बाद जो है फिर से जो है इसकी गति धीमी करके और इसको ज़मीन की तरफ जो है लाया जाना है। अपने पथ में जो है ये आगे चलता जा रहा है और इसकी दूरी चंद्रमा की सतह से कम होती जा रही है। फिर इसके बाद जो हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो हैं वो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं वो उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं, नहीं तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अपनी जगह को थोड़ा सा करेक्ट करके उतार की जगह थोड़ी सी बदल सकता है और उसी हिसाब से उतर सकता है।